मुतज़ों और नाजायज़ मुनाफा खोरों की जिला टोबा में कोई जगह नहीं, इनका खात्मा ज़िले इंतजामिया टोबा की अवलीन तरजीह है। डी सी टोबा ज़ाहिद सुहेल ने टोबा की तहसील गोजरा के मुख्तलिफ मकामात से घी के खुफिया स्टोरों पर छापे मारे और इन गोदामों में छुपाया गया 25,000 किलो से ज़ायद घी और चावल बरामद करके सरकारी तहवील में ले लिए और इन गोदामों को सील कर दिया। गोदामों के मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया। इस मौका पर ADCG टोबा मोहम्मद नबील रियाज सिंधु, AC टोबा मोहतरमा जोहर शाकिर, AC गोजरा हसन नजीर के अलावा दीगर अफसरान और AO इंफॉर्मेशन इलियास अकरम, मलक महमूद नासिर सीनियर सहाफी मकबूल तारिक और मोहम्मद नईम गुजर भी मौजूद थे। DC ज़ाहिद सुहेल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब के हुक्म के मुताबिक जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों के साथ हनी हाथों से निपटा जाएगा। ही माफिया को कोई राहत नहीं दी जाएगी। बाद में DC ज़ाहिद सुहेल ने गोजरा में वाकिया अराजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा किया। तालीन को बार बार ऑफिस के चक्कर न लगवाए, रिपोर्ट कर रहे थे टोबा टेक्सिंग की तहसील गोजरा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मकबूल तारिक।